नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर पहुंची नगर विकास निदेशिका नेहा शर्मा ने लोकवाणी सभागार में जिलाधिकारी सहित जनपद के आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर अधिकारी से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। इसके साथ ही निदेशिका नेहा शर्मा ने लेगेसी वेस्ट के प्लांट पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां खामियां मिलने पर प्लांट के संचालक को खामियां पूरी करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्लांट संचालक को हिदायत देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी इसे लेकर लेगेसी वेस्ट को खत्म कर मुजफ्फरनगर वासियों को कूड़े के ढेर से निजात दिलाए। नगर विकास निदेशिका नेहा शर्मा ने जनपद के अधिकारियों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रगति रिपोर्ट जानी और उचित दिशा निर्देश दिए। आप मुजफ्फरनगर आई है तो किस तरह का निरीक्षण है और क्या क्या आपको देखना होगा? देखिए, आज जो निरीक्षण है वो आज पहले हम लोगों ने समीक्षा बैठक, एक विस्तृत जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे और सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें स्वच्छ भारत मिशन की जो गतिविधियां चल रही हैं नगरीय क्षेत्र में, उस पर एक समीक्षा बैठक की गई और अब हम लोग कुछ फील्ड विजिट्स भी कर रहे हैं, जिससे एक स्थिति जो है उसका आकलन हो सके कि कैसे कार्य आगे बढ़ रहा है और कहां कहां पर अभी अपेक्षाकृत कार्रवाई जो है वो करनी बाकी है। मैम, मुजफ्फरनगर एक कूड़े का ढेर बन चुका है, लगातार मीटिंगें होती रहती हैं, बैठकें होती रहती हैं, प्रभारी आते रहते हैं, मंत्री भी आते रहते हैं, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है, तो मैं उसके लिए क्या? देखिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड कार्रवाइयों में अभी स्वच्छ भारत मिशन नगरीय ने बहुत तत्परता से कई कैंपेन्स चलाए हैं, जिसमें आप लोगों ने आपके सहयोग से भी देखा गया कि 75 आवर कैंपेन चला था, जिसमें हम लोगों ने अपने गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं उनको 75 घंटे में लगातार कार्य करके हटाया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे इंटेंसिव गतिविधियां ज़रूर इंश्योर की गई हैं, जहां पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है वहां हम लोग एक्शन भी लेंगे और ये भी क्लियर किया गया है कि जो डिफॉल्ट करेगा उसके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अब अपने द्वितीय चरण में है जो 2026 तक चलेगा और अभी सर्वेक्षण भी होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक अच्छी पहल नज़र आएगी। इस वर्ष जो है हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं कि हमारे जो शहर हैं, हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी शहरों में एक अच्छी साफ सफाई व्यवस्था जो है उसको इंश्योर करें। इंदौर के मॉडल को कितना सफल मानते हैं आप? इंदौर मॉडल बहुत अच्छा और प्रेरणादायक मॉडल है और उसकी तर्ज पर उससे एक और बेहतर करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं और अपने शहरों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।